अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। मलेशिया के शहर कुआलालंपुर से तमाम व्यूअर्स को खुश आमदीद। आज की वीडियो का टॉपिक है कि मलेशिया में सैलरी का क्या शेड्यूल है। मलेशिया में सैलरी का शेड्यूल, इस पर तफसील से बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। आइए इस टॉपिक पर बात करते हैं कि मलेशिया में सैलरी का शेड्यूल क्या है। मलेशिया में जो सैलरी का शेड्यूल है, ये कोई किसी भी कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ, ये ऐसा नहीं है कि भाई वो ऐसे है तो एक कंपनी अगर 10 तारीख को सैलरी देती है तो दूसरी भी 10 को देगी, ऐसे नहीं है। हर कंपनी का अपना असूल है। कोई कंपनी है कि हर महीने की 10 तारीख को सैलरी देती है, यानी कि जो महीना ख़त्म होता है 30 या 31 को, उसका यानी कि हाजिरी का कार्ड बंद हो जाता है, तो 10 या 11 तक वो सैलरी दे देते हैं। अगर कोई छुट्टी या पब्लिक हॉलीडे वगैरह ना हो तो 10-11 तक मिल जाती है। अगर हो तो एक दिन और आगे चली जाती है या एक दिन पहले आ जाती है। लेकिन यहाँ हर कंपनी का, हर बॉस का, हर सप्लायर का, हर ठेकेदार का अपना असूल है। यहाँ कोई ये ऐसे नहीं है कि सब कंपनियों का एक ही असूल है या एक ही डेट पे सैलरियाँ देती हैं, या अगर एक महीने की देती है तो दूसरी कंपनी भी महीने की देती है। यहाँ ऐसी कंपनियाँ भी हैं जो 15 दिन के बाद तनख्वाह देती हैं आपको, जो कि 15वें दिन आपका कार्ड बंद होता है, 16वें दिन तनख्वाह दे देते हैं, पिछला सारा हिसाब क्लियर। ऐसी कंपनियां भी हैं जो 15 दिन की तनख्वाह तो देती हैं लेकिन 15 दिन नीचे रखती हैं, यानी एक महीना ख़त्म होगा तो आपको पहली से 15 तक की सैलरी मिलेगी, फिर जाके 1.5 महीना यानी कि 15 तारीख को अगले महीने की 15 को कार्ड बंद होगा तो फिर वो 16 से 30 या 31 तक की मिलेगी। ऐसी भी हैं, और ऐसी कंपनियाँ भी हैं जो कि 2 महीने के बाद सैलरी देती हैं, एक महीना नीचे रखती हैं। ऐसी कंपनियाँ भी हैं जो कि 20 तारीख को यानी कि 20 दिन नीचे रखती हैं। ऐसी भी हैं 3 महीने और हालाँकि 4 महीने तक भी हैं। इसी वक्त जहाँ मैंने देखे हैं दोस्त काफ़ी काम कर रहे हैं, 4 महीने के बाद 1 महीने की सैलरी मिलती है, यानी 3 महीने नीचे। जब आप काम छोड़ देंगे उसके 3 महीने बाद तक हर महीने आए और सैलरी लेते रहें, ये है उनका कहना। लेकिन यहाँ सैलरियाँ मरने का भी काफ़ी ज़्यादा सिस्टम है, सैलरियाँ काफ़ी मर जाती हैं, क्योंकि छोटी मोटी जो ठेकेदार होते हैं या कंपनियाँ होती हैं वो फिर सैलरी ऐसे अगर उनको लॉस या नुकसान नज़र आता है तो वो भाग जाते हैं, जिसकी शक्ल में फिर जो वर्कर हजरात हैं उनका तो नुकसान हो जाता है। तो इस तरीके से बेस्ट यही है कि बस जो जल्दी तनख्वाह दे, सैलरी टाइम पे दे, जल्दी दे, बेशक कम हो, तो वो बारे में आती है, बजाय इसके कि वो ज़्यादा का हमें लालच दे और ज़्यादा लंबा यानी कि सैलरी का शेड्यूल बना दे कि 3 महीने के बाद लेकिन हम आपको ज़्यादा देंगे। वो ज़्यादा का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आपका नुकसान हो जाए तो कम ले लें, टाइम पर ले लें, उसका फ़ायदा है। हर कंपनी का, हर ठेकेदार का अपना असूल यही है कि जितना आपको अच्छा लगे आप उसमें काम करें, किसी से सेटिस्फाइड ये ना हो कि वो ज़्यादा दे रहा है, वो खाता नहीं है। खाता तो नहीं है लेकिन अगर खा जाएगा तो क्या कर लेंगे। गैर मुल्की या फॉरनर कोई एक्शन नहीं ले सकता अगर आपकी कोई सैलरी खा जाए तो। आप सिर्फ सिवाय या तो उसकी रिक्वेस्ट करके, मिन्नत करके सैलरी निकलवा सकते हैं, या फिर आप उसके दुआएं कर सकते हैं, अल्लाह इसको हिदायत दे, इसके अलावा आपके पास या सब्र कर लेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। ना आप उससे लड़ सकते हैं, ना उससे किसी और तरीके से सैलरी निकलवा सकते हैं। ये सारा का सारा मामला उसके रहम करम पे छोड़ना होगा। ये देख लें, सोच समझ के अच्छे तरीके से बंदा काम ढूंढे, जहाँ के अच्छी आपको तसल्ली मिले कि यहाँ वक्त पर सैलरी मिलती है, माजी का रिकॉर्ड अच्छा है, तो वहाँ पर हमें जॉब करनी चाहिए। ना कि हर जगह ज़्यादा देखें, जहाँ देखें जी बड़ी कंपनी है, ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, ज़्यादा बेसिक है, बस ये देख के हमें काम नहीं करना चाहिए। जहाँ वक्त पर मिलती हो, बेशक कुछ कम मिलती हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं कभी ज़्यादा का लालच नहीं करता, बड़ी या छोटी कंपनी का लालच नहीं करता। उसका माजी देख के अगर लोग उसकी गवाही देते हैं, पहले से काम करने वाले, कि भाई ये कंपनी ठीक है, हमें सैलरी मिल रही है, तो यकीनन वो फिर नए बंदों को भी देती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्या शेड्यूल है यहाँ तनख्वाहों का। अगर इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।